हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू माय चैनल आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे हिंदी में इसे सर्वनाम कहा जाता है और यह इंग्लिश ग्रामर का सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच होता है तो चलिए सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन को देख लेते हैं सो अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूजड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज यानी कि प्रोनाउन ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या नाउन फ्रेज के स्थान पर यूज़ किया जाता है बेसिकली नाउन फ्रेज का मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड से होता है जो किसी सेंटेंस में एक नाउन की तरह कार्य करता है और यह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर प्रोपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है तो आइए अब देखते हैं प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं ही शी एट आई वी यू दे एंड मैनी मोर यहाँ पर ये सभी वर्ड्स प्रोनाउन हैं जो कि नाउन से रिप्लेस करके सेंटेंसेज में यूज किए जाते हैं ताकि कुछ लिखते और बोलते समय बार बार आने वाले नाउन्स को अवॉइड किया जा सके सो स्टूडेंट्स आइए अब देखते हैं किस प्रकार प्रोनाउन का यूज सेंटेंसेस में किया जाता है नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स विद सेंटेंसेस कनिका इज अ गुड गर्ल कनिका स्टडीज इन एर्थ स्टैंडर्ड कनिका इज अ मॉनिटर ऑफ द क्लास ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें कनिका एक नाउन वर्ड है जिसका यूज थ्री टाइम्स किया गया है तो आइए देखते हैं किस प्रकार इन नाउन्स को रिप्लेस कर सकते हैं प्रोनाउन से कनिका इज अ गुड गर्ल शी स्टडीज इन एर्थ स्टैंडर्ड शी इज अ मोनिटर ऑफ दी क्लास यहाँ पर इन सेंटेंसेस को करेक्ट करके लिखा गया है सबसे पहले सेंटेंस में कनिका को एज इट इज लिखा जाएगा जबकि सेकेंड सेंटेंस में कनिका वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाएगा शी वर्ड से जो कि एक प्रोनाउन है इस प्रकार कनिका जितनी बार भी सेंटेंस में आएगा उसके लिए शी प्रोनाउन वर्ड यूज किया जाएगा ताकि अननेसेसरी रिपीटेशन को रोका जा सके तो आइए कुछ और एग्जाम्पल से प्रोनाउन को समझते हैं आई वेंट टू द मार्केट आफ्टर वर्क कार्य खत्म करने के बाद मैं बाजार गया इस सेंटेंस में आई यानी कि मैं एक प्रोनाउन है नेक्स्ट सेंटेंस दिस बुक इज माइन यह बुक मेरी है इस सेंटेंस में माइन भी एक प्रोनाउन है नेक्स्ट सेंटेंस वी विल सेलिब्रेट पार्टी हम पार्टी सेलिब्रेट करेंगे इस सेंटेंस में वी एक प्रोनाउन है नाउ वी हैव नेक्स्ट सेंटेंस यू शुड नॉट गो देयर तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए यहां पर तुम यानी कि यू एक प्रोनाउन है नेक्स्ट सेंटेंस एलेक्स केम आउट विद टॉम एंड मी इस सेंटेंस में मी आपका प्रोनाउन होगा आई होप सो स्टूडेंट्स आपको इन एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रोनाउन जरूर समझ में आ रहा होगा नाउ वी है आइए इन्हें जान लेते हैं प्रोनाउन इज यूज इन स्टेड ऑफ अउन नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है नंबर टू इट कैन बी सब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोपोजिशन एंड मोर प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर prepositional object भी हो सकता है। प्रोनाउन हमें लिखते और बोलते समय नाउन की अननेसेसरी रिपीटिशन से बचने में हेल्प भी करता है नंबर फोर इट रेफर्स टू इट्स एंटीसीडेंट यह अपनी पूर्ववर्ती यानी कि अपने से पहले आने वाले नाउन के बारे में भी बताता है आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सभी बातें क्लियर हो गई होंगी सो फाइनली वी कैन से नाउन और नाउन फ्रेज सो दिपिटेशन ऑफ नाउन कैन बी अवॉइडेड तो इस प्रकार अंत में हम कह सकते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा या संज्ञा वाक्यांश को बदलने के लिए किया जाता है ताकि संज्ञाओं के अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचा जा सके आई होप स्टूडेंट्स ये ट्यूटोरियल वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के साथ टिल देन हैव अ नाइस टाइम थैंक यू सो मच